मैम इजी वेट लॉस कैसे करें, ऐसे कैसे वेट लॉस करें कि बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट आने लगे। पिछले काफी समय से ये कॉन्स्टेंट कमेंट्स आ रहे हैं वीडियोस के नीचे कि मैम वेट लॉस के टिप्स बता दीजिए। और साथ साथ आपको ये भी पता है कि अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपकी वो कोई भी परफॉर्मेंस है, चाहे आपकी फिजिकल हेल्थ है, चाहे आप ऑफिस में परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो आप अपनी वाइफ के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, हर जगह आपको प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो ऐसे कौन से ईजी टिप्स हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में से 5 इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ईजी टिप्स बताने वाली। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आप बहुत जल्दी अपने वेट लॉस को अचीव कर लेंगे। मैंने खुद ट्राई कर रही हूँ, मैं साथ साथ इसे बिल्कुल प्रैक्टिस कर रही हूँ, आपके साथ भी इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी इसका बेनिफिट ले सकें। सो हाई, आई एम डॉक्टर नेहा मेहता, मैं सेक्स काउंसलर हूँ और पिछले काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ वेट लॉस के ऐसे ईजी टिप्स जो आप कहेंगे वाह यार ये तो सही में मुझे आज से शुरू करने हैं तो बहुत आसान है, मुझे कुछ बहुत ज़्यादा बदलने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। तो क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है, बने रहें, जुड़े रहें, उस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो चलिए, मैं बात कर रही थी वेट लॉस टिप्स के बारे में। अब मैं बात करूं वेट लॉस की तो बहुत लोग कहेंगे कि मैम मेरे को ना इजी तरीका बता दो, मुझे बता दो ग्रीन टी पीनी है, या मुझे बता दो अच्छा फ्लैक्स सीड्स ऐड करनी है, चिया सीड्स ऐड करने हैं, मैं ये तो ऐड कर लूंगा। लेकिन अगर आप मुझे कहोगे कि सुबह सुबह उठ के वॉक कर ले या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ले, तो हो सकता है मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, क्योंकि कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या ट्रेनिंग्स लेनी है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो बहुत ईजी टिप्स के साथ मैं यहाँ शुरू करने वाली हूँ। सबसे पहले आप इसके कंसेप्ट को समझिए। वेट लॉस का मतलब ये नहीं होता है कि आपका बिल्कुल ही एकदम से वजन कम हो जाएगा। आपकी जो वेट की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपका फैट और मसल मास दोनों ही आता है और वाटर आता है बॉडी का। यहाँ पे आपको अपना मसल लॉस नहीं करना है, आपको लॉस करना है अपना फैट। अगर आपका बॉडी का मसल लॉस होने लग गया तो आपको टायर्ड, लेथार्जिनस, कई लोग एकदम से बहुत ज़्यादा वेट लॉस करते हैं तो कैसे कमजोरी आ जाती है। तो इसमें आपको फैट लॉस ज़्यादा करना है, मसल लॉस नहीं करना है, और उसके लिए आपको छोटे 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 चेंजेस करने की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि मैम जो ये वेट लॉस की बात करते हैं कितना जल्दी कर सकते हैं। अब आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे या बहुत सारे ऐसे थंबनेल्स देखे होंगे कि 5 दिन में वजन कम करें, 10 दिन में 10 किलो घटाएं, ऐसे करें, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। हर किसी की बॉडी वेट अलग है, और अगर आप रूटीन से कर रहे हैं तो वीक में 0.5 से 1 किलो कम होना जायज़ है, जो कि एक प्रोसेस है। और कभी कभार जिसका वजन ज़्यादा होता है उसका थोड़ा जल्दी लॉस होता है, जिसका थोड़ा सा अपने एवरेज वेट के आसपास का वेट है उसका थोड़ा कम हो सकता है। तो 1% आप लगा लीजिए, आपके टोटल वेट का 1% थोड़ा सा जल्दी घटने का प्रोसेस हो सकता है। और ये ऐसा नहीं है कि एकदम से घटता जाएगा, हो सकता है एकदम से घटे, फिर थोड़ा प्लैटू आ जाए, फिर थोड़ा और घटे। तो आपको मेंटेनेंस पे जाना है। आपका मेन एम होना चाहिए कि मेरा वेट मेरे को एकदम से कम नहीं करना, मुझे धीरे धीरे कम करना है, लेकिन मेरे को उसको कम करके रखना है, दोबारा बढ़ने जैसा और दोबारा उस पर मेहनत करने जैसे पे नहीं जाना है। दूसरी आपने चीज़ समझनी है, जो आप डाइट ले रहे हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब आपको लगता है कि मैं सुबह हैवी खा लूँ और मैं रात को कम खा लूँ, उससे बेटर ये है कि आप जो दिन में 2 हैवी मील्स ले रहे हैं उसको आप एक 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 दिन में चार पाँच मील्स करके खाइए, और सब कुछ अपने खाने में इंक्लूड करिए। ऐसा नहीं है इसको मना करना है, इसको हाँ करना है, बट क्वान्टिटी अपने कम और छोटे छोटे मील्स के साथ आपने स्टार्ट करना है। दूसरा बड़ा टिप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अपना टाइम। मतलब अगर आप रात को ये समझ रहे, बोलते हैं ना कि भाई जितना धूप में जितना आप खा लो, मतलब सूरज ढलने से पहले खा लो, दैट इज़ बेटर। सोने से 3 घंटा पहले अगर आप अपना मील को ले रहे हैं तो दैट इज़ वेरी गुड। तब तक वो डाइजेस्ट भी हो जाएगा और आपको ब्लूटिंग या फिर हम बोलते हैं भाई उबत्ते आना या वॉमिटिंग, ऐसा वाला फील नहीं आएगा। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज योर मेटाबॉलिज्म। बहुत बार आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत कम होता है। लोग आके बोलते हैं मैं खाती तो इतना नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा है या मेरी बॉडी हेल्प ही नहीं कर रही, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो आपका मेटाबॉलिज्म भी अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो चीज़ें इफेक्ट करेंगी। वाटर का कंजम्पशन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पानी क्या है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है, आप जो भी कर रहे हो उसके प्रोसेस को, डाइजेशन को बढ़ा देता है। तो जितना वाटर कंजम्पशन करेंगे उतना वो हेल्प करेगा। अगर आप अपनी डाइट में फाइबर्स को ऐड करते हैं, जैसे पत्ता गोभी या ऐसे सीजनल फाइबर्स
तो भी वो आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा सकते हैं। अगर आप खाने की बात करें तो कार्ब्स को कम क्वांटिटी में लेते हुए आपको क्या करना है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से दोस्ती करनी है, पल्सेस, होल ग्रेन्स, इन सब को अपनी डाइट में ऐड करें। साथ साथ जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं, जैसे बेकरी से लाया हुआ है, कोई पेस्ट्री है, चॉकलेट्स हैं, पैक्ड फूड्स हैं, चिप्स हैं, उनको थोड़ा सा अवॉइड करें और शुगर से थोड़ा सा बच के रहें। अब मैं बात करूंगी एक्सरसाइज की। सो एक्सरसाइज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप एक्सरसाइज की बात करो तो बोलो मैं तो जिम जाता हूँ, मैं तो खाना भी बहुत कम खाता हूँ, ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सरसाइज के लिए आपको जो बेसिक एक्सरसाइज करनी है वो है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज करें, फिर एरोबिक्स एक्सरसाइज ऐड करें, थोड़ा सा मूव करें, जंप करें, जॉग करें, और उसके साथ इम्पॉर्टेंट है मसल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि भाई वेट लॉस करते रहते हैं लेकिन अपनी मसल्स को स्ट्रांग नहीं करते, उसके बाद क्या होता है कुछ समय बाद पेट में दर्द है, घुटनों में दर्द है, यहाँ प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मसल्स को लॉस कर दिया, जबकि करना उनको क्या था, फैट लॉस करना था। तो एम करें अच्छे फैट लॉस के लिए, सस्टेनेबल फैट लॉस के लिए, ऐसा वेट लॉस जो एक्चुअली रिपेयर बैक ना करे। मतलब मैंने किया 10 दिन में तो मैं हीरो लगने लग गया और उसके बाद एक महीने बाद फिर वापस आ गया। तो ऐसे में जो ये मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं या पुश की बात कर रहे हैं, ऐसे में आपको इन सब टिप्स को बहुत अच्छे से अप्लाई करना है। वो लोग जिनको किसी भी तरह का मेडिकल इशू है, इन टर्म्स ऑफ कमर में दर्द है या किसी भी तरीके के बोन की कोई प्रॉब्लम है और वो ये एक्सरसाइजेस ट्राई नहीं कर सकते हैं, उनको बोलिए, उनको मैं यही बोलना चाहूँगी कि छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। अगर वॉक कर रहे हैं तो आज आपने थोड़ा सा वॉक किया, कल आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, या डाइट में जो चेंजेस कर रहे हैं धीरे धीरे करके उसे करें। हमेशा समझें कि एक महीने में 10 किलो क्या हुआ वेट लॉस उतना ही नुकसान देगा जितना आपका धीरे 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 होता हुआ और सस्टेनेबल और हेल्दी वेट लॉस आपकी हेल्प करेगा। आशा करती हूँ ये टिप्स आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए बने रहें, जुड़े रहें, और ऐसे आने वाली और वीडियोस के लिए आपको इसे सब्सक्राइब करना पड़ेगा इस चैनल को। और अगर आप चाहते हैं कि कोई और टॉपिक है जिसमें वीडियो बनाऊं, कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जुड़ने के लिए डॉक्टर ने ऑफिशियल मेरा हैंडल है, उसे करेक्ट करना नहीं भूलेंगे। सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई सुनोवा बायोस्लिम। अगर आप कहीं ना कहीं ट्राई कर रहे हैं अपने वेट लॉस के लिए तो ये एकदम से पुश देगा और आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करेगा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।